अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और बस 2022 एंड होने वाला है और 2023 स्टार्ट हो रहा है। तो विंटर वेकेशन स्टार्ट है, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बस बच्चे हर रोज़ तंग करते हैं कि कहीं ना कहीं लेके जाया जाए। और दूसरा, आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो कुछ कमेंट्स उसमें से ऐसे थे कि जिसमें लिखा हुआ था कि जी आप व्लॉग्स भी बना के डाला करें, क्योंकि आपके चैनल का जो नेम है वो व्लॉग्स के नाम से है, तो इसलिए। लेकिन व्लॉग बनाने के लिए बना ले हम, लेकिन बात यह है कि इतना टाइम लिमिट भी हो और इतनी मसरूफियत ना हो जिसकी वजह से फिर मैं ब्लॉग्स बैठ के बना सकूं आराम से। क्योंकि मैं टीचिंग की फील्ड में हूं, तो इसके साथ साथ व्लॉग्स बनाना, घर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो एनी हाउ, तो अभी विंटर वेकेशंस थे तो मैंने कहा चलें एक व्लॉग सही, या फिर कह लें कि एक आउटिंग ही सही। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पे गए। तो ये हम लोग रसल खेमा में रहते हैं और ये रसल खेमा का सबसे ओल्ड मॉल है। बहुत क्योंकि बचपन से इसी सिटी में हम लोग, तो ये सबसे फर्स्ट मॉल बना था। आई थिंक ये 2001 या 2000 में बना था और ये रसल खेमा का सबसे पहला मॉल है हमारी सिटी का। और इसके साथ बचपन की भी यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए मुझे इस मॉल में जाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप मतलब चाइल्डहुड से एक जगह जा रहे हो, फिर आप अपनी फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, टीचर्स के साथ जाओ और अब अपने बच्चों के साथ जाओ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस मॉल में जाना। तो बहुत प्यारा मॉल है, काफ़ी इसमें चेंजिंग्स भी हुई हैं, न्यू शॉप्स भी ओपन हुई हैं। लेकिन कुछ जो शॉप्स हैं जो ओल्ड हैं वो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती हैं, शॉपिंग के हवाले से कह लें या फिर इन्जॉयमेंट के हवाले से या खाने पीने के लिहाज से कह लें, वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब इन्होंने ये जो इसका जो बैक साइड है वो अटैच है सी से, कि समंदर से अटैच है। और वहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल कह लें के विंटर वेकेशन के लिहाज से वो ओपन हुआ है। तो आज बच्चों का दिल था कि वहाँ पे विज़िट करके आते हैं, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि उस फेस्टिवल में क्या क्या था। बहुत मज़ा आया उस फेस्टिवल में, क्योंकि इनकी ट्रेडिशनल डिशेस थी जिसमें से लुके मात थे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और उसके अलावा काफ़ी क्रीपीज़ वगैरह भी थे, और सेकंड हरीस भी था जो कि मतलब स्पेशलिटीज़ हैं अरब फूड्स की, तो वो बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इनको वहाँ लेके गई थी। और भी स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो घूमते फिरते रहे। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम ठंड भी थी और आपको पता है कि समंदर की साइड थी। अभी आगे जाके देखिएगा, बिल्कुल समंदर, ये इस साइड पे देखें सारा समंदर है और इस साइड पे सारी शॉप्स थी और मॉल की बैक साइड बनती है। तो काफ़ी मज़ा आया घूमने फिरने में, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत काम कूल और रिलैक्स कह लें कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सॉफ्ट म्यूज़िक भी प्ले था, क्योंकि मैंने तो अभी बैकग्राउंड जो साउंड है वो ऑफ़ किया हुआ है अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था इधर और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इधर बच्चों के लिए ये स्विंग्स भी थी, डिफरेंट टाइप्स की स्विंग्स थी, और साथ में कुछ वाटरफॉल्स थे जिसमें बच्चे मज़े से आ जा रहे थे, एक गेम्स की तरह उन्होंने बनाया हुआ था। बाकी बच्चों के लिए गेम्स भी थी काफ़ी, लेकिन मेरे बच्चे आज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे गेम्स में, क्योंकि वो आज सिर्फ़ और सिर्फ फूड इंजॉय करने के लिए आए थे। तो इसलिए ये आप देखें लिखा हुआ है रॉक ईटीज के नाम से फेस्टिवल था। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जाके। अभी ये आई थिंक इट इज़ देयर टिल 22 ऑफ दिसंबर, 2 दिन और है। तो अगर आप रसल खेमा में आएँ या फिर विज़िट करें तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको सारा कुछ। तो इधर इन्होंने एक ये स्टेज वगैरह भी था जहाँ पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, लेकिन इस टाइम अभी कोई नहीं हो रही थी क्योंकि मोस्टली जो भी शोज़ वगैरह हैं वो मगरिब के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मुझे कहीं और भी जाना था, तो इसलिए हम लोग बस फिर मगरिब के थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह खा के हम लोग निकल आए थे। क्योंकि सारे क्योंकि ये इस
इस तरह का टाइम था कि क्योंकि इस टाइम अभी रश स्टार्ट हुआ था, मतलब लोगों ने आना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये दिन में ओपन नहीं होता है, ये इवनिंग में ही ओपन होता है, अराउंड 5 o'clock ये ओपन होता है, अनटिल नाइट ये रहता है, आई थिंक टिल 12 or 1 o'clock इट इज़ देयर। सो ये इस तरह था, तो इसलिए मुझे तो थोड़ा सा जल्दी आना था तो इसलिए मैं कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं देख पाई, लेकिन आप जब भी प्लान करें तो आप लाजमी आएँ। और ये देखें, इधर मुझे इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये सनसेट का सीन, बिलीव मी इट वाज सो रिलैक्सिंग के उधर सनसेट और आगे समंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी व्यूअर्स, तो ये तो थी मेरी छोटी सी आउटिंग कह लें, बस बच्चे अपने बाबा को मिस कर रहे थे तो उनके दिल बहलाने के लिए उनको मैं बाहर ले आई। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के। तो अभी मैं गाड़ी में जाके इंजॉय करने लगी हूँ अपने लुकेमात। जब भी आप यूएई में आएँ डेफिनेटली इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये अरब की ट्रेडिशनल डिश है, स्वीट्स हैं, तो खा के आप भी बताइएगा कि आपको किस तरह के लगे, क्योंकि ये तो मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं, इसके बाद टी तो मस्ट बनती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एवरी वन, टेक केयर।